तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीवीएम प्रोग्रामिंग में। रुचि यादव जी मेरे साथ हैं, एज ए डेमो क्लास में ज्वाइन किया। सबसे पहले जानेंगे कि आपको कोर्स की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी वीवीएम प्रोग्रामिंग की, उसके बाद बाकी चीजों पर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना पड़ेगा, जहां से आपने डेमो क्लास का फॉर्म भरा था। देखिए, मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेज है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मेरी एक लाइव क्लासेस है, दूसरी हमारी वीडियो क्लासेस है। तो वीडियो क्लासेस क्या है? वीडियो क्लासेस जो रिकॉर्डेड सेशन होती है उसके थ्रू चलती है, जो कि मेरी वेबसाइट app.iptindia.com पे लॉगिन करके आप स्टोर में जाके क्लासेस को देख सकते हैं। इसकी आपकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिसको आपने सिस्टम पे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। मोबाइल पे देखने के लिए मेरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा XLMIS ट्रेनिंग। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मेरी वेबसाइट, मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियोस के लिंक, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये iOS पे भी अवेलेबल है और आपका एप्पल इस पे एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाइव क्लासेस की, तो सुन बैक करते हैं अपने लाइव क्लासेस की तरफ। ओके, तो जो ओके लाइव क्लासेस होती है रुचि जी, वो जूम के थ्रू ऐसे ही 1-to-1 होती है। हर एक चीज, हर एक डिटेल मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा जैसे कि मैं आपको भी कोर्स को समझा रहा हूं। तो ऑनलाइन क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो मेरी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और जहां की हमारी बात हुई है कि आप वीवीएम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। देखिए, लाइव 1-to-1 क्लासेस है, एक बैच में 1 से 3 लोग रहते हैं। और मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेस है। पहला हमारा एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस है, दूसरा हमारा फास्ट ट्रैक है। अगर मैं फास्ट ट्रैक की बात करूं रुचि जी, तो फास्ट ट्रैक क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे का ड्यूरेशन, ठीक है? ओके तो ये फास्ट ट्रैक उनके लिए है जो पूरी डिटेल में नहीं सीखना चाहते हैं, वो बस इतना सीखना चाहते हैं जिससे वो इंटरव्यू अगर निकाल सके, या पहले से उन्हें एक्सेल सीख सकते हैं, वीवीए को सीख रखा है, बस थोड़ा सा ब्रशअप करना चाहते हैं उनके लिए। बट आपको तो शुरू से सीखना है, तो आपके लिए कोर्स होगा एक्सपर्ट लेवल, जिसकी ड्यूरेशन 45 to 50 आवर्स की होगी। क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। अगर इसकी कंटेंट की बात करें तो इसमें बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, अप्लाई कंडीशन इन वीवीए, लूप्स, इवेंट फंक्शंस, एडवांस फॉर्मूले, चार्ट एंड डैशबोर्ड, रिपोर्ट ऑटोमेशन, पिवट ऑटोमेशन, यूजर फॉर्म, पिक्चर ऑटोमेशन, सिक्वल क्वेरी, डेटाबेस कनेक्टिविटी, रिपोर्ट ऑटोमेशंस, डैशबोर्ड ऑटोमेशंस, साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी मदद करेंगे अगर आप इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो। सीक्वल क्वेरी जो है वो वीबीए मैक्रोस में भी होती है। सिक्वल क्वेरी क्या होता है कि जैसे आप अपने एक्सेल को कनेक्ट करना चाहते हैं अदर किसी डेटाबेस, चाहे एक्सेस हो या एक्सेल हो, एसक्यूएल हो या ऑरिकल हो, तो उसमें जो डेटा की जो जो कोडिंग होती है डेटा भेजने के या लाने की, वो सिक्वल क्वेरी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से डेटा एक्सेल पे पुल करवाना है आपको वीवीए के थ्रू, उसमें सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, लेकिन सेलेक्ट क्वेरी हमें वीवीए में लिखना। अच्छा, ओके 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 समझ गए? ऐसी मान लीजिए आप डेटा भेजना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें लॉगिन आईडी था कि आप उस एक्सेल को खोलने के लिए आपको लॉगिन एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, लेकिन लॉगिन के डिटेल इस एक्सेल में नहीं थी, वो आपका था हमारा एक्सेस में। अच्छा तो वहां से जो डेटा इंफॉर्मेशन लेकर आती थी वो आपका सिक्वल क्वेरी के थ्रू आता था। ओके, इसलिए सिक्वल क्वेरी हम आपको इसमें कवर करते हैं। अगर हम डाउनलोड्स डिटेल इन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स, पूरी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी कि इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हैं जो कि हम आपको कवर करेंगे। और साथ में मैं बता दूं कि ये जो चीजें हैं ये मिनिमम है, नॉट ए मैक्सिमम। अगर आपको इसमें लगता है कोई चीज मिसिंग है जो कि रिलेट करती है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, वीवीए का जो मैक्रोस होता है क्या वो एक्सेल के मैक्रोस में हेल्प करता है? मैं वही चीज पे आ रहा हूं अभी, ठीक है ना? तो आपको कोर्स समझ में आ गया ना, कोर्स क्या है? ठीक है, 1 से 3 लोगों का बैच होगा, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर एक क्लास की वीडियो मिलेगी, साथ में आपको प्रैक्टिस करते समय टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा। प्रैक्टिस करते समय या काम करते समय आप जो है
आपको टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, कोई कोर्ट में फंस गए, तो आप मुझे कॉल कर दे, अगर मान लीजिए हो सकता है कभी कभी मैं फोन आपका ना उठाऊं, तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दूंगा। राइट, अब चलिए आपकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हैं एक्सेल की माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, राइट। अब इस चीज की कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। सबसे उससे पहले मुझे जानना होगा कि वीवीए के जरिए हम बनाएंगे क्या। देखिए, वीवीए के जरिए हम बनाते हैं माइक्रोस, हम बनाते हैं फंक्शन और हम बनाते हैं यूजर फॉर्म, ठीक है। तो वीवीए क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, जिसकी मदद से हम एक्सेल में इन तीन चीजों को बनाते हैं। अब माइक्रोज क्वेश्चन आता है कि इसकी माइक्रोज और जो रिकॉर्ड माइक्रोज, आप रिकॉर्ड माइक्रोज की बात कर रहे हैं ना, जो व्यू में होता है। रिकॉर्ड माइक्रोज की बात कर रही थी। ये क्या अलग है? देखिए, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। रिकॉर्ड माइक्रो क्या होता है, एक फीचर होता है जो आपके एक इमेज को रिकॉर्ड कर देता है, समझ गए। उसने वो जो रिकॉर्ड करते समय जो लैंग्वेज यूज करता है, उसी को हम वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, समझ गए। वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि जब वो रिकॉर्ड करता है, तो वो भी जो लैंग्वेज यूज करता है वो वीवीए का ही यूज करता है। मैं एक रिकॉर्ड करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करवाना है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो, आप डेवलपर टाइप से भी जा सकते हैं और व्यू में भी जा सकते हैं, व्यू से भी जा सकते हैं और यहाँ इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा है ना रेडी के बगल में जी, तो इस पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो हमने माइक्रो वन क्लिक कर दिया। अब कहीं भी मैं लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नेम, मैंने लिखा रोल नंबर, मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है। अभी अगर मैं वापस इसी की माइक्रो लिस्ट पे जाऊं, जहां से हम रन करते हैं, यहाँ पे आपको एडिट दिखेगा। एडिट एडिट पे क्लिक करते ही आपको इसका कोड दिख जाएगा, दिख रहा है कोड, ये वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब मुझे कोड करना हुआ तो मैं भी इसी तरह से कोड करूंगा, ठीक है, इसी तरह से कोड दिखेगा, सेम लैंग्वेज। हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क होता है। फर्क क्यों होता है कि ये जो रिकॉर्डिंग माइक्रो है वो हमारा यूज करता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारा अपना समझ के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको बॉस से छुट्टी मांगनी है, बर्वली मांगनी है, तो आप जाएंगे, जाके थोड़े बोलेंगे सेवा में श्रीमान महोदय, जी जी, इस तरह थोड़े बोलेंगे बहुत छुट्टी चाहिए, जो आम बोलचाल की भाषा है। देखिए, इसी चीज को अगर मान लीजिए, इसी चीज को अगर बॉस ने बोला कि ठीक है एप्लीकेशन दे दो, तो एप्लीकेशन में थोड़ी लिख देंगे कि सर छुट्टी चाहिए, वो तो पूरा एक प्लेटफॉर्मा पूरा करेंगे, जो टू द मैनेजर इंग्लिश में लिखे, टू द मैनेजर रिगार्ड लिखेंगे ना, राइट। तो उसी तरह से इसमें होता है कि जब रिकॉर्ड करते हैं तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, और कोड करते समय जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे A1 पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, ठीक है, ओके। इसी काम के लिए VBN ने क्या किया, दो लाइन लिख रखा है कि पहले वो सिलेक्ट करता है, फिर जाके उसकी फॉर्मूला में जाके नेम लिखता है, ओके, समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीज है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो अलग है या आपका कोडिंग की गई वीवीए माइक्रो अलग है, दोनों एक ही है, वीवीए लैंग्वेज है और उसी लैंग्वेज को यूज करके रिकॉर्डिंग माइक्रो वर्क करता है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो करता है क्या है, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो सिंपल आपके माउस एंड कीवर्ड इवेंट को वो वीवीए कोड में कन्वर्ट कर देता है, ओके, समझ गया, कोड में कन्वर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपकी खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो जा रही है, तो आप सीखेंगे क्यों? अगर आप रिकॉर्डिंग माइक्रो में जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें
रिपीटेशंस की बात करें, हम बात करें कंडीशंस की, लूपिंग की, कनेक्टिविटी की, डायनेमिक की, नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक डेटा को कॉपी पेस्ट करवा रहे हो, तो एक डेटा वो सिलेक्ट हो गया, वो डायनेमिक नहीं होगा, क्योंकि डेटा में डेटा घटता बढ़ता है, तो अपने आप को सिलेक्शन घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे फिक्स हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसलिए A1 फिक्स कर दिया, तो हमेशा A1 पे ही सारे कर्सर रखेगा, ये चेंज नहीं होगा जब तक कि कोड आप मैनुअल चेंज ना करें। ओके, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए ना, आपने रिपोर्ट, आपने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया जो कि डेटा A1 से A100 तक चलता है, A1 से A100 तक का डेटा पे काम करने का कोड जनरेट कर दिया, कल के डेट में आपका A50 हो, A1 से A50 हो गया, या A1 से A200 हो गया, तो फिर आपकी वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि डायनेमिक नहीं है। तो बेसिकली आपको डेली जो है वो कोड को एडिट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी बहुत चीजें है, कनेक्टिविटी की कंडीशन, कंडीशन लगाना है, लूपिंग लगाना है, ऐसे ये नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ना कि आपको एक फोल्डर के 500 फाइलों का डेटा एक के नीचे एक कॉपी करना है, तो आप 500 फाइलों का डेटा कॉपी करेंगे तो उसका कोड जनरेट होगा, तो क्या फायदा, आप ऐसे ही मैनुअल कर लोगे, रिकॉर्डिंग बनाए क्या फायदा। समझ में आया कि नहीं मैम? आपको 500, एक फोल्डर में 500 फाइल है, 500 फाइल्स की डेटा को कॉपी करके क्लिक चेकिंग से पेस्ट करना है, इसके लिए आपको मैक्रो क्रिएट करना है। तो आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको 500 टाइम्स कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ, इतना फिर मैक्रो रिकॉर्ड करने का फायदा है कि वो जो आपने मैनुअल कॉपी पेस्ट कर ही लिया, राइट, नेक्स्ट टाइम वो मैक्रो रन करेगा नहीं, क्योंकि फाइल के नेम चेंज हो जाएंगे, फोल्डर लोकेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको वीवी प्रोग्रामिंग सीखना होगा। अब बात करते हैं कि वीवी प्रोग्रामिंग हम करेंगे क्या। जैसे हमने बताया कि वीवी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप मैक्रोज वर्क कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फंक्शन क्रास कर सकते हैं। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, इसको लोग फॉर्मूला भी करते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप होते हैं ना, इस तरह के फॉर्म। और इसके बाद आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है? यूजर फॉर्म होता है पॉपअप। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, पॉपअप आया ना खुल के, राइट राइट, इस तरह के यूजर फॉर्म बनाने का काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा मैं एक चीज पूछ रही थी कि आप ये जो ट्रैक करवा रहे हो ये लाइव डेटा पे मुझे करवाएंगे, क्योंकि मेन तो वही है ना। या लाइव डेटा पे करवाएंगे, आपको लाइव डेटा करके दिखाएंगे आपको हम। आप हमारी यूट्यूब पे वीडियो जाके देखे ना, वहां देखे मैं लाइव डेटा पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद करूंगी तभी तो मुझे आएगा, आप करवाएंगे मतलब आप खुद करेंगे। पहले सुनिए, पढ़ाने का तरीका समझ लीजिए क्या है। पहले हम हर एक चीज को आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट, उनकी रिकॉर्डिंग बनती जाएगी, आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाए, पहले अच्छे से समझ लीजिए क्या कैसे हो रहा है। आपको कुछ लिखने की जरूरत है, पॉइंट्स कुछ लिखना है तो आप रेडी में लिख सकते हो, पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेशन रिकॉर्ड होता है। ओके ओके ओके। उसके बाद जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद अगर उसी तुरंत बाद आपके पास टाइम है, यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग को वॉच करना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कोई कंफ्यूजन हुआ कॉल कर लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, फोन पे नहीं समझ में आएगा तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, अगले दिन पूछ लीजिए, समझ गए। हाँ जी, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं साथ साथ कर लूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, अब क्या टाइप कर रहे हो, कहाँ टाइप कर रहे हो, आपने मेरी स्क्रीन देख रहे हो, मैं आपकी स्क्रीन तो नहीं देख रहा हूँ ना सर। राइट राइट, मैं पता चला कि मैं आगे बढ़ गया और पीछे ही हूँ। जैसे कि बोर्ड पे हुआ करता था कि हमारे प्रोफेशनल लिखना शुरू करते थे, हम भी लिखना शुरू करते थे, राइट, तो हमें लिखना शुरू नहीं करना, प्रोफेशनल जो बोर्ड पे लिख रहा है उसको नीचे कॉपी में उतारना नहीं, ये उतारने वाला काम रिकॉर्डिंग कर रहा है, बस आपको समझना है कि प्रोफेशनल लिख क्या रहा है, उसका कंसेप्ट, उसका मोटिव, हर चीज समझना है, ठीक है जी। तो इसी तरह से मैं आपको अभी जैसे भी मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, मैं अभी जो चीजें समझाया कि भाई रिकॉर्डिंग मैक्रो और वीडियो प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, आपने समझ लिया। अगर मान लीजिए आप भूल गए तो आज की रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, आप रिकॉर्ड ओपन कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। उस तरह से मैं यहाँ पे समझाया कि भाई वीवीए के तीन फॉर्म होते हैं, अगर मान लीजिए आप फॉर्म भूल गए तो रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा जी, और रिकॉर्डिंग रहेगी तो उसको सेलफोन पे रख सकते हैं, उसको सिस्टम पे रख सकते हैं,
रैली तो हमेशा लेके रजिस्टर तो आपके पास रहेगा रहेगा ना रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग को तो लंबे टाइम पे स्टोर कर सकते हैं ना, कभी आपकी रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है तो मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग स्टोर होती है कुछ महीनों तक, तो आप मुझसे ले सकते हैं या फिर आप इसी सेम टॉपिक का किसी और क्लास की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्लियर मैम? तो यहाँ पे समझते हैं कि वीवीए प्रोग्रामिंग से बनाएंगे क्या, मैं मैक्रोस क्या होता है। मैक्रोस होता है ऑटो पायलट, ऐसा काम जो आप करते हो डेली बेसिस पे, ऐसा कोई काम करते हो जिसको करने में आपको काफी टाइम लगता है, उस काम को आप जो है ना मैक्रोस के जरिए आप उसकी पूरी प्रोसेस को पूरे स्टेप को कोड कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो क्या होगा, वो काम आपका कुछ सेकेंड्स में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह सुबह 100 लोगों को मेल भेजना पड़ता है, ठीक है, तो 100 लोगों का जो मेल भेजने का प्रोसेस है, डेटा लोकेशंस है, मेल आईडीज है, सबकी एक पूरी जो स्टेप यूज करते हैं मैनुअल, उसी को आप कोड के थ्रू लिख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे एक बार रन करेंगे, आपका 100 लोगों को मेल विद इन सेकेंड में चला जाएगा, और भी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो माइक्रो जस्ट ऑटो पायलट। अब फंक्शन के लिए हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जो कि मान लीजिए आपके पास VLOOKUP फॉर्मूला है, लेकिन VLOOKUP फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट नहीं चलता है और आपका रिपीटेड वैल्यू में से सिंगल को देता है, पूरा नहीं देता है, मल्टीपल डेटा पे लुकअप नहीं करता है, सिंगल डेटा पे लुकअप करता है। तो ऐसी आप खुद के अपने फॉर्मूला बनाए जो कि जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल सके, या फिर हम माइक्रोस के लिए भी फंक्शन क्रिएट करते हैं जो रिपीटेशन वगैरह को कम करने के, यूजर फॉर्म इंटरफेस के लिए कुछ ऐसा वैलिडेशन कर वैलिडेट करके कुछ करवाना है तो इसका यूज हम करते हैं। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से ध्यान रखिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं आप, जो भी बनाएंगे वो सिर्फ एक्सेल के थ्रू ही रन होगा, बाहर ऐसे कोई इंस्टॉल रन नहीं होगा, और आपके सिर्फ डेस्कटॉप पे ही चलेगा, आपके सेलफोन और वेब पे बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ गए? क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग जो है सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे ही वर्क करता है, एक्सेल के वेब वर्जन या एंड्रॉइड वर्जन पे वर्क नहीं करता। राइट, अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशंस की। देखिए क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी या सैटरडे संडे चलेगी, राइट? ओके, तो मंडे टू जो फ्राइडे होगा वो आपका 45 मिनट के आसपास होगा, या 45 मिनट से एक घंटा का सकते हैं, वो डिपेंड करता है टॉपिक्स और आपके क्वेश्चंस पे। सैटरडे एंड संडे में आपको एक घंटे से दो घंटे के बीच, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में चलेगी, ये भी आपकी टॉपिक्स और आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया तो 2 घंटे से भी ऊपर जा सकती है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा आपको सब कुछ समझ में आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ये आपको 1.5 घंटे से पहले भी खत्म हो सकती है, समझे? हाँ जी, क्योंकि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए आपको चाहिए होगा प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज्यादा पढ़ लेने से ज्यादा भी सीख जाएंगे, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे। सो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ओके मैम? तो आप बताइए आप कौन सा मंडे टू फ्राइडे बैच चाहते हैं, सैटरडे संडे बैच चाहते हैं? मेरे लिए मंडे टू फ्राइडे सही रहेगा।